1988 में एक ऐतिहासिक घटना रही समाज में हुई थी कि चार समाज के व्यक्ति एक साथ प्रशासनिक सेवाओं में आए थे, जिसमें से तीन आईएएस में थे और मैं आईपीएस में था। मेरी जानकारी के मुताबिक ये चार लोग एक साथ आने की घटना शायद दोबारा रिपीट नहीं हुई है रायगढ़ समाज में। और धीरे धीरे समाज के जो पढ़े लिखे लोगों का रुझान आईएएस आईपीएस के प्रति ना होकर कहीं और जगहों पे हुआ। मैं हमेशा से योगेंद्र भाई से भी और बाकी समाज के किसी भी फंक्शन में ये कहता आया हूँ कि शिक्षा हर सक्सेस का एक रास्ता है, हर उपलब्धि का माध्यम शिक्षा है। बाबा साहब ने भी यही कहा था कि सबसे पहले शिक्षित बनो। और शिक्षा कई तरह की होती है, साधारण शिक्षा सभी लेते हैं, एक तकनीकी शिक्षा है और दूसरी है उच्च एजुकेशन, हायर एजुकेशन। जैसा अभी प्रिंसिपल साहब ने कहा कि रोजगार के लिए, आर्थिक उपलब्धि के लिए शिक्षा की बहुत जरूरत है, इसके साथ साथ शिक्षा की जरूरत है सम्मान के लिए। आप अपने अधिकारों को जाने, उनके लिए लड़े और समाज में या पूरे भारतवर्ष में जब आपका नाम कोई पुकारे तो इज्जत के साथ पुकारे। शिक्षा इज्जत के लिए भी जरूरी है, मैं इसमें ये बात जोड़ना चाहता हूं। मैंने जब आईपीएस की परीक्षा पास की थी तो मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री थी मेरे पास। आप सभी जानते हैं कि प्रशासनिक सेवाओं में एक बार आप आते हैं तो दोबारा किसी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अपने काम से, आप अपने सीनियरिटी से, आप अपने प्रमोशन से प्रमोशन लेते जाते हैं। लेकिन मैंने ये सोचा था कि नहीं, जब आईपीएस में भी कोई मेरा नाम लेगा तो मुझे इज्जत से नाम लेगा, इसीलिए मैंने डॉक्टरेट की, आईआईटी दिल्ली से पीएचडी की और मुझे बहुत सम्मान के साथ ये महसूस होता है कि जब कोई प्रशासनिक अधिकारी कभी किसी फंक्शन में मेरा नाम डॉक्टर मुक्तेश चंद्र के तौर पे लेता है। और मैं ये चाहता हूं कि प्रशासनिक सेवाओं में, बैंकों में, किसी भी जगह पे हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपके पास साधन है तो आप और हायर एजुकेशन लीजिए। इसलिए नहीं कि उससे आपको कोई नौकरी में फायदा होगा या नहीं होगा, इसलिए कि उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और दूसरा आदमी जब आपका नाम लेगा तो इज्जत से आपका नाम लेगा। दूसरी बात, जो प्रशासनिक सेवाओं के लिए कोचिंग की बात आती है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। बिहार में एक ग्रुप है जिसका नाम है सुपर 30, अगर आप लोगों ने सुना भी हो। वो सिर्फ 30 बच्चों को चुनते हैं, सबसे गरीब लेकिन प्रतिभाशाली लोग बच्चे, उन 30 बच्चों को फ्री कोचिंग दी जाती है और 30 के 30 आईआईटी में दाखिल होते हैं वो बच्चे। इसी तरह से मैंने योगेंद्र भाई को भी सुझाव दिया था, आज इस मंच के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इसी की तर्ज पे सुपर 30 में कोई चुनाव किया जाए प्रतिभा के तौर पे और उनको प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयार किया जाए। अगर एक साल की कोचिंग देंगे तो मैं समझता हूं कि उस 30 में से 20 व्यक्ति, 20 बच्चे जरूर आईएएस आईपीएस या अन्य जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उसमें निकल पाएंगे। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कोचिंग और हॉस्टल्स। आपने देखा होगा जो यहाँ है ये अपने राजेंद्र नगर और इसके आसपास का पूरा इलाका आईएएस की कोचिंग का गढ़ बनता जा रहा है। सारे भारतवर्ष से लोग आते हैं और यहाँ रहते हैं, साल भर तैयारी करते हैं। हमारे इसी राजेंद्र नगर के आसपास रैगरपुरा, बिडनपुरा, बाबा नगर, इस इलाके में बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जिनका इस्तेमाल इस कोचिंग के लिए या इस तरह के हॉस्टल के लिए किया जा सकता है। और जितने भी हमारे
प्रतिष्ठान हैं, मंदिर हैं या कोई और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनको भी मल्टीपर्पज इस्तेमाल किया जाए, पूजा हो अर्चना हो लेकिन वहाँ पर एजुकेशनल सरस्वती की भी पूजा होनी चाहिए। हम बहुत देवी देवताओं की पूजा करते हैं लेकिन हमें उन मंदिरों में सरस्वती की भी पूजा करनी चाहिए, और वो खाली मूर्ति पूजा नहीं, वो उस प्रांगण का इस्तेमाल एजुकेशन के लिए कीजिए। वहाँ लेक्चर्स करिए, वहाँ हॉस्टल्स बनाइए, वहाँ कोचिंग सेंटर्स बनाइए, ताकि हमारे एक एक नौकरी मिलती है जिसमें तनख्वाह ज़्यादा है। मैं जब इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ी थी मेरी तनख्वाह ज़्यादा थी, लेकिन जब मैं आईपीएस में आया तो मेरी सैलरी उससे कम थी। मैं 4 साल ऑलरेडी इंजीनियरिंग जॉब कर चुका था। सैलरी से ज़्यादा इज्जत इम्पॉर्टेंट है, और वो अधिकार जिससे आप अपने रैगर भाइयों का भला कर सकते हैं, वो अधिकार आपको मल्टीनेशनल कंपनी की, नेस्ले की, लाला की, इधर उधर की नौकरी करने से नहीं मिलेगा, वो प्रशासनिक सेवाओं में अच्छी अच्छी नौकरियों को पकड़ने से होगा, जहां आप अपने लिए भी, अपने समाज के लिए भी, और अपने जो और भाई बहन हैं जिनके साथ अभी भी अन्याय हो रहा है उनके साथ न्याय किया जा सकता है। और मैं पुलिस की नौकरी में मैं देखता हूँ कि सबसे पहला न्याय पुलिस ही करती है, बाकी सब अदालतें तो बाद में आती हैं। जब कभी कोई किसी के साथ घटना हो तो अगर हमारे पुलिस अधिकारी या जो व्यक्ति उन अच्छी पोस्टों पे मौजूद है वो उसका फैसला तुरंत कर सकते हैं और न्याय कर सकते हैं। तो मेरा समाज के सभी, इस सभा के माध्यम से सभी से ये अनुरोध है कि प्रशासनिक सेवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें और उनको कोचिंग करें, और अपने इज्जत के लिए एजुकेशन का साथ ना छोड़े। मैंने 2014 में पीएचडी हासिल की है, आप भी कर सकते हैं, हर व्यक्ति कर सकता है। और जब कभी कोई आपका नाम ले मिस्टर मुक्तेश चंद्र, नहीं, मैं डॉक्टर मुक्तेश चंद्र। थैंक यू।